नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप सबको प्रोग्राम पहला कदम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात दुखी इंसानियत के खिदमत और जज्बत से सरशार मज़ज़ मेहमान महमदी मायुद्दीन साहिबा से करवाते हैं, जो कि हबीब एमडी होप ट्रस्ट की बानी हैं। इंसानियत की आप इस मैदान में उतरी हैं, इसके पीछे दास्तां जो आप के है उसके बारे में हमारे नाज़रीन सुनना पसंद करेंगे, उस बारे में हमें बताएं। हबीब एमडी होप ट्रस्ट मेरे बेटे हबीब का एक लगाया हुआ पौधा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को इस बीमारी के साथ जंग करते हुए देखा, और ये बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक पट्टों की, या आसान उर्दू में मैं बात करूंगी ताकि हमारे तमाम नाज़रीन समझ सकें इस बात को, कि ये पट्टों की बीमारी है जो मौरूसी भी होती है और अचानक भी शुरू होती है। और इसमें मुख्तलिफ अकसाम है, जिसमें डुशैन सबसे सख्त किस्म है, जो कि हबीब को थी, और डुशैन के बाद बाकी मुख्तलिफ अकसाम भी हैं। तमाम अकसाम से मुतासर जो हुए होते हैं मरीज़ वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, लेकिन डुशैन ऐसी किस्म है कि जो जिस्म के तमाम मसल्स को, तमाम पट्टों को बहुत जल्दी जल्दी मुतासर करती है, और व्हील चेयर पर आने के बाद और मुख्तलिफ मतलब इंसानी ढांचा जो है वो मसल्स और जो हमारे दिल के मसल्स होते हैं इनको बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। सबसे जो ख़तरनाक बात है इसमें वो ये कि डुशैन वाले बच्चे, उनकी जो ज़िंदगी है, स्पेशली लाइफ सपोर्ट ना हो, जैसे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है एडवांस टेक्नोलॉजी या मेडिकल केयर, तो उनकी लाइफ स्पैन मुश्किल से 15 या 16 साल तक ही रहती है। और मेरा बेटा जब डायग्नोस हुआ, डायग्नोसिस के लिए भी प्रॉब्लम होती है कि ये जब पैदा हुआ हबीब तो वो बिल्कुल ठीक था, माशाल्लाह 10.5 पाउंड का था बच्चा, हेल्दी बेबी, हैप्पी बेबी, बिग बेबी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हम कहीं से भी किसी को, डॉक्टर को या किसी को अंदेशा होता कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसी कोई बीमारी आ जाएगी। आपको कब इल्म हुआ कि आपके बेटे को डुशैन डिस्ट्रोफी बीमारी, मौलिक बीमारी है जो जी, ये लाख हुई? 4.5 साल की उम्र में डायग्नोसिस हुआ आखिरकार हबीब का, और उसमें हमारे सामने आया कि डुशैन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी कि ये बीमारी होती क्या है। ये अपने बेटे के खुशगवार लम्हात आप हमारे नाज़रीन के साथ अगर शेयर करना पसंद करें। बिल्कुल जी, खुशगवार लम्हात बीमारी से पहले, बीमारी के दौरान भी रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत, एक तो मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत और बहुत बहादुर, साबिर, और कि कुतुब बीनी का बहुत शौकीन था अभी, मतलब इतने मोटे मोटे नॉवेल्स वो ऐसे घंटों में ख़त्म करते थे, और इंग्लिश बहुत पसंद थी उनको, और अपनी बहन के साथ वो जो है गुफ्तगू किया करते थे मुख्तलिफ नॉवेल्स पे, लेकिन शरारती बहुत थे, और बिल्ली को दुम से उठा के गोल गोल घुमा के तो वो बिल्लियाँ डर जाया करती थी जब अभी बाहर आता था, और ये चलते थे तब तो अभी, और 6 साल तक जो है चलते थे, थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए थे, लेकिन ये कि हर चीज़ में शामिल होते थे, और डिफरेंट रेसिपीज़ बहुत पसंद थी, मतलब बहुत क्रिएटिविटी थी अभी के अंदर।
आपको किस चीज़ ने मुतासर किया कि आपने हबीब एमडी होप ट्रस्ट की बुनियाद रखी, इसकी दाग पैर डाली? हबीब की बहादुरी ने, हबीब की रिसर्च ने और हबीब की डिटर्मिनेशन ने। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि हबीब ने मुतासर किया मुझे कि एक बच्चा, और मैं हैरान होती थी कि एक बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने इतना सब्र और इतनी कुव्वत कैसे डाल दी, जबकि वो खुद से उठ के चल नहीं पाता। वह गोद में उठाते हैं हम और सारा इस तरह से करते हैं, तो ये एक ये चीज़ थी। फिर मैंने बाहर तलाश जब शुरू की तो बहुत से बच्चे हमारे सामने आए जो कि इस बीमारी का शिकार थे, बहुत से लोग सामने आए, और हबीब का सवाल था कि इस काम में कोई भी काम नहीं कर रहा इस बीमारी के ऊपर। क्योंकि मैं इस बीमारी से पहले और हबीब से पहले भी मैं मुख्तलिफ जो तंजीमें थी उनके लिए मैं काम करती थी, उनकी फंड रेजिंग करना, अवेयरनेस करना या सोशल वर्क में हमेशा आगे आगे बढ़ना कि मैं किसी के काम आ जाऊँ। तो जब हम जाते थे तो मैं अपने बच्चों को लेके जाया करती थी मुख्तलिफ इवेंट्स में, तो वहाँ पे डिस्ट्रोफी का नाम कभी किसी ने नहीं दिया था। तो हबीब ने मुझे सवाल किया एक दिन कि क्या हम ये काम नहीं कर सकते, क्या हम डिस्ट्रोफी के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई नहीं करता। तो ये जो मैंने हबीब एमडी होप ट्रस्ट बनाया है, ये एक वादा है जो मैंने अपने बेटे से किया हुआ है, ये मैं वादा निभाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या पाकिस्तान में कोई और भी इस बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं? जहाँ तक अभी मेरी रिसर्च और तहकीक है उसके हिसाब से तो अभी इस डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे कोई काम नहीं हो रहा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बेशुमार पेशेंट्स हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में 15-17% जो आबादी है वो स्पेशल पर्सन्स की है, और जिसमें मज़ीद बहुत ज़्यादा आबादी मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स की है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ अकसाम है। और गवर्नमेंट लेवल पे जो है एक बना हुआ है एयरपोर्ट, और उसमें जो है लोग अपना नाम, अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। वो इस तरह से है कि जैसे हम स्टेटिस्टिक्स कर रहे हैं कि हम एक नंबर तलाश कर रहे हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जहाँ तक काम की बात आती है तो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिन्होंने जो व्हीलचेयर्स देते हैं, काम करते हैं सब स्पेशल पर्सन्स के लिए, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी पर्सन्स भी शामिल हैं, लेकिन अलग से उनके लिए काम कोई नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि हमारा जो इदारा है, हमारी जो तंजीम है, वो पहली है पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी और उसके अंदर डुशेन के लिए काम कर रही है, ताकि इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये छोटे बॉयज़ में आती है, ये लड़कों में आती है बीमारी, कि इनका कुछ भला हो सके और घरों के चिराग जलते रहे। माशाल्लाह हबीब एमडी होप ट्रस्ट का हमने बड़ा नाम सुना है, इसके आर्टिकल भी हमने देखे हैं, तो इन्होंने बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, इस बारे में हमें थोड़ा सा आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले कि आपने इस काबिल समझा, तारीफ की हमारी। हम ये हमारा हर रोज का एक चैलेंज होता है जो हम करते हैं। कामयाबियों में सबसे पहले मैं नाम लूंगी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ई स्कूल बनाया जो पाकिस्तान का पहला ट्रॉमा सेंसिटिव ई स्कूल है। ट्रॉमा सेंसिटिव का मतलब क्या है? ट्रॉमा ये होता है कि जिस तरह अगर मैं एक मिसाल दूंगी आपको कि अगर किसी के घर में कोई ग्रैंड पेरेंट है, दादा हैं, दादी हैं, और खुदा ना खास्ता उन्हें फालिज हो गए और वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब आप समझ लें 3-4 साल वो उस कंडीशन में है, ठीक है जी, और बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उस घर में वो उनको देख रहे हैं उस कंडीशन में, और वो सारा अपने माइंड में रिटेन कर रहे हैं, वो उनका ख्याल भी रख रहे हैं, अच्छा वक्त भी गुजार रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन ट्रॉमा क्या है? वो जो 3 साल उन्होंने गुजारे हैं उनके साथ, किस तरह से तकालीफ में उनको देखा है, वो दिमाग पे नक्श हो जाता है, इसको ट्रॉमा कहते हैं। अब ये बच्चे डुशेन के कितने साल से मेरे पास, 6-7-8 साल के बच्चे भी हैं और 9 साल का बच्चा भी है, कि उन्होंने ये 4 साल कितनी तकलीफ में गुजारे, वो तकलीफ जो है उनके दिमाग में नक्श हुई हुई है, और उनका सवाल होता है कि हम खड़े कब होंगे, ये अभी भी किया करता था। तो ये एक ट्रॉमा है जिसके साथ वो चल रहे हैं। अब हमने जो स्कूल बनाया उसमें हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि बच्चों को हमने 1-2-3 या ABC सिखानी, ऐसा नहीं है। 1-2-3 ABC जो है वो नंबर्स हैं, हम उनके उस ट्रॉमा को डील करते हैं, उनको पॉजिटिव तरीके से इंक्लूजन यानी शमूलियत करते हैं उनकी अपनी क्लासेस में, वीडियो बेस्ड लेसन करते हैं और उसके ऊपर उनको बोलने का मौका देते हैं,
और उसमें हमारे दूसरे नॉर्मल बच्चे भी शामिल हैं, ताकि जो डुशैन के बच्चे हैं वो अपने आप को अलग ना समझें कि हम कोई अलग से बच्चे आ गए हैं, हमें कोई खास तकलीफ है, बल्कि वो नॉर्मल अपने आप को समझें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा अब कम अज़ कम 6 महीने की क्लासेस के बाद अब बच्चे बोल भी रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आपका क्या आसमान है इस बीमारी की से अहम मिशन को आपने जारी रखे हैं, तो मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं जारी रखें? जी जाहिर साहब, इंशाल्लाह बिल्कुल जारी रखूंगी, आखिरी सांस तक जारी रखूंगी। बल्कि मैं, मेरी कोशिश है, मेरे पास माशाल्लाह बच्चे हैं, मैं खुद तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ, मेरे अपने जो शागिर्द हैं वो मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं और उनको मैं सिखा रही हूँ कि ये क्या चीज़, मैं आज हूँ कल ना रहूँ, तो ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, बहुत सारे माँ बाप हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये बीमारी है क्या। तो मुस्तकबिल में सबसे पहला पॉइंट हमारा ये कि हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला का करम रहे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती रहे और गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हुकूमत हमारा साथ दे और हमारे पास फंड्स की फराहमी हो, तो हमने डुशैन कन्वेंशन सेंटर बनाना इंशाल्लाह, जिसमें जो हमारी स्कूलिंग ई स्कूलिंग हो रही है वो ई स्कूल और ऑन साइट स्कूलिंग भी होगी, मेडिकल फैसिलिटीज होंगी, काउंसलिंग फैसिलिटीज होंगी, रिहाइश की फैसिलिटीज होंगी, ये सारा इन द पाइपलाइन है इंशाल्लाह। जी, हमारे नाज़रीन को कोई ख़ास पैगाम देना चाहें, क्योंकि इस बारे में कोई, मेरे ख्याल से कोई 95% लोग कोई नावाकफ हैं इस बीमारी से और इतना मुश्किल नाम है इसका भी। मुश्किल नाम है बिल्कुल। तो इस बारे में अगर कोई ख़ास पैगाम आप देना चाहें। सबसे पहले तो पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ये होप प्रिवेल्स, ये हमारा पंच लाइन भी है हमारी, उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है कि वो गिव अप कर जाते हैं। बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है, वो आई है, लेकिन हमने बच्चे को बेस्ट क्वालिटी लाइफ देनी है, लाइफ क्वालिटी के साथ साथ हमने उसको माहौल प्रोवाइड करना है जो पॉजिटिव हो, मस्बत माहौल बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर माँ बाप या फैमिली माँ को कसूरवार ठहराती रहेगी कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से ये बच्चे की ये कंडीशन है या तुम्हारी वजह से ये कंडीशन है, तो उस बच्चे पे क्या असर होगा? जी नाज़रीन, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हबीब एमडी होप ट्रस्ट एक नहायत मुतासिर कुन तंजीम है, इससे हम तमाम इंटर्न्स ने बहुत कुछ सीखा, हमने मेहनती लोगों को देखा, हमने अपनी उस्तानी साहिबा मिस मोहम्मद मुहीद्दीन को देखा, उन्होंने कभी भी हार ना मानी, उन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपनी तरजीह जाना, हम सब ने उनका इस चीज़ में बहुत साथ दिया। हम तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तमाम भाइयों का बेहतरीन ख्याल रखें, तो आइए हमारे साथ दीजिए। आप ये बताइएगा कि हबीब एमडी होप ट्रस्ट को वजूद में लाने के लिए आपको ज़ाहरी बात है मुश्किलात तो दरपेश आई होगी, तो अब आगे भी ज़ाहरी बात है इसमें कोई मुश्किलात होंगी, इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई आगाही दे दें। जब मैंने ये इरादा किया कि मैंने ट्रस्ट बनाना है हबीब के नाम पे, हबीब, पहले मैं बताऊंगी कि हबीब की अचानक डेथ कैसे हुई, कि मैं स्कूल में टीचर हूँ और पीछे जो केयर टेकर थे वो हबीब के साथ थे घर पे, और अचानक सुबह में थोड़ा सा खांसी जुकाम की शिकायत थी और थकावट थी, और दोपहर 2 बजे जब मैं घर गई, इसी अस्था में बीच में बात भी हुई मेरी, तो अचानक कार्डियक अरेस्ट या लंग फेलियर, ये दोनों में से एक चीज़ होती है, ये दोनों वन आफ्टर द अदर, मतलब एक होता है साथ ही दूसरा हो जाता है, इसकी वजह से हबीब जो है वो जा चुके थे, मेरे पहुंचने के बाद वो जा चुके थे, दुनिया से जा चुके थे। तो मैंने ये उसी दिन इरादा किया कि ये हबीब जो है जिस्मानी तौर पे तो चला गया, लेकिन वो हमेशा इन स्पिरिट बहुत कायम रहेगा, हबीब की लेगेसी को हम आगे लेके चलेंगे। और फिर नवंबर, 5 नवंबर 2019 हबीब की वफ़ात का दिन, और 9 जनवरी 2020 मतलब हबीब की अगली 16वीं बर्थडे पे मैंने ये तोहफा दिया और मैंने क़याम किया इस ट्रस्ट का, जिसको हमने 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्टर करवाया, ताकि हम जो है खुल के काम कर सकें और लोगों को सपोर्ट कर सकें, उनका हेल्प प्रोवाइड कर सकें। मुझे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सबसे पहले ये कि चूँकि मैं एक खातून हूँ, औरत हूँ, और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस तरह की चीज़ जो है कोई औरत कर सकती है,
लेकिन मैं लोगों को ये कहती थी कि औरत तो हूँ पर माँ भी हूँ जिसने अपने बेटे को जंग करते देखा है, और हम सब शामिल थे इस लड़ाई में विदुशैन के साथ भी। तो इस तरह से हमारा ट्रस्ट रजिस्टर हुआ। लेकिन उसके बाद लोगों से मुख्तलिफ तंजीमें जो और काम कर रही हैं स्पेशल पर्सन्स के लिए, उनसे कांटेक्ट करना, उनको बताना कि हम कौन हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं पर शामिल नहीं करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी ये गुजारिश है सबके साथ कि जैसे बाकी तंजीमें हैं बहुत अच्छी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी माशाल्लाह और बहुत अरसे से काम कर रही हैं, तो हम तो अभी 3 साल हुए हमें काम करते हुए, हमें शामिल करें और हमें एक्नॉलेज करें, क्योंकि हम गुजर चुके हैं उस जंग से और हम जानते हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ की ज़रूरत है। और मैंने अपने अपने सामने देखा है, ये केसेस देखे हैं मैंने कि इनके साथ किस तरह से चला जाए और कैसे काम किया जाए। बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग टोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, लेकिन ये कि वो बार बार उठाते हैं बच्चे को बिठाते हैं, और कई पेरेंट्स जो है वो गिव अप कर जाते हैं कि इसने तो ये तो अपैट किया है नीचे, फिर तो ज़िंदगी भर बैठा रहेगा या फिर जल्दी हमें छोड़ के चला जाएगा। तो कुछ जो है वो पैसा लगाते ही नहीं है वो। अगर बड़े, मैंने देखा एक और केस था कि एक बड़े बेटे को मोटरसाइकिल लेके दिया, छोटे को डुशैन थी, और उसने कुछ चीज़ें मांगी तो बाप ने नहीं रखी थी उसको, उसको कहा कि बहुत महंगी है तो इस तरह नहीं आ सकती, तुम पे तो हम खर्च भी कर रहे हैं, गजा भी खिला रहे हैं, दवाई भी दे रही, मार कर रोते हुए मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा इससे ज़्यादा क्या जुल्म होगा कि उस बच्चे के सामने उसी अपना अपना बाप जो है वो गिव अप कर गया। तो उनको समझाया, काउंसलिंग सेशन फिर हम रखते हैं, काउंसलिंग कहते नहीं क्योंकि अगर ये वर्ड बोल दो तो उस पर भी फिर एक जो है एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि हमको पागल है या आप हमें काउंसिल कर लें। तो मतलब हर कदम पे चैलेंजेस हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली इस्लामाबाद में चुके मैं हूँ, तो जो अटेंडेंट सर्विसेज हैं वो बहुत महंगी हैं। हमारा जो एक और एम है, काम है, वो ये कि हमने इसके ऊपर काम करना कि हम इकोनॉमिकल तरीके से अटेंडेंस प्रोवाइड कर सकें। पहले मैं उनको ट्रेन करूँ और उनको फिर हम प्रोवाइड करें डुशैन बच्चों को और जो दूसरे डिस्ट्रोफी की मुख्तलिफ अकसाम के पेशेंट्स हैं जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। लेकिन इसमें अगेन हमें हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट चाहिए, हमें हमारे अपने लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये एक या दो बच्चे की कहानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है बीमारी, और अगर हमने अभी नहीं कदम उठाया तो फिर कब उठाएंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, फिर हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।